साधुरमा अदतरमा मुफ्ती शाह रजासा मदनी अतारी मरकज दावत इस्लामी ब्रैडफोर्ड की खिदमत में मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा तो माह के सामने तशरीफ लाकर अपने खराब ताज़ा الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله यकीनन हम सब जानते हैं कि हमारे जमा होने का मकसद किबला हाजी अल्लाह दिता मरहूम मकफूर को इसाले सवाब करने के लिए उनके आले खाना से ताजियत करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करने के लिए हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमाए। आले खाना को जमी पसमानगान को अल्लाह तआला सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कामिल व अकमल बख्शिश फरमाए। ऐसे लोग के जिनके जाने के बाद उनकी अच्छाई उनकी खूबियों उनके कारे खैर उनकी भलाइयों का जिक्र हो तो इसको उलमा ने फरमाया कि ये उस बंदे की बख्शिश की अलामत है। सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा कराम भी मौजूद हैं, तो एक जनाजा गुजरा तो सहाबा कराम ने उसके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जो उसके हक में अच्छे नहीं थे। तो कहा ये शख्स अच्छा नहीं था, ये करता था। तो आकर इस्लाम ने इशारा फरमाया वाजब बात। फिर कुछ देर गुजरी तो एक जनाजा और गुजरा, सहाबा कराम ने उस जनाजे वाले वो शख्स जो बहुत हुआ था उसकी अच्छाइयों का जिक्र किया, यानी उसके हक में अच्छी गवाही दी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाजबत। अब सहाबा कराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमारी गवाही जो थी वो दोनों के हक में मुख्तलिफ थी, एक की अच्छाइयों का जिक्र किया कि वो अच्छा बंदा था और दूसरे के बारे में हमने जिक्र किया कि वो अच्छा नहीं था, लेकिन आपका जवाब एक ही था, दोनों के जवाब में आपने कहा वाजब। तो इसकी क्या वजह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हक में तुमने ये गवाही दी कि अच्छा नहीं था, बुरा शख्स था, गुनाहगार था या लोगों को तंग करता था, तो उसके बारे में जब तुमने गवाही दी तो मैंने कहा वाजब कि तुम्हारी गवाही से उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, और जिस शख्स के बारे में तुमने अच्छी गवाही दी उसकी अच्छाई का जिक्र किया अच्छी शहादत दी कि ये शख्स अच्छा था, नेक काम करने वाला था, दूसरों से अच्छा सलूक करने वाला था, तो जब तुमने ये अच्छी गवाही दी तो तुम्हारी गवाही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। तो लोगों की गवाही से जो है अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमा देता है, और यकीनन जो अच्छा हो उसकी गवाही अच्छी होती है और जो बुरा हो उससे तो जमीन भी पनाह मांगती है जब वो जमीन के ऊपर चल रहा होता है, और जब फिर वो मरता है तो फिर जमीन कहती है कि अब तू मेरे अंदर आया है, अब मैं इंतकाम लूंगी कि मेरे ऊपर अकड़ कर चलता था और लोगों को किसी खातर में नहीं लाता था, लेकिन जो
अल्लाह से डरते हुए अपने आका मौला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत हुस्न अखलाक को अपनाते हुए दूसरों से भलाई करता है, कार्य खैर करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, सिला रहमी करता है, तो जब वो फौत होता है, एक तो आ बैठी इन नेक कामों की वजह से उसके पल्ले नेकियां हैं, दूसरा जब बंदे उसकी गवाही देते हैं कि वो अच्छा बंदा था तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाता। और ऐसा फरमा रहे थे कि उनके अखलाक बड़े अच्छे थे, तो बच्चे भी आज रो रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत जब नामा आबाद से नेकियां निकाली जाएंगी ना, मीजान पर रखी जाएंगी, फरमाया उसने अखलाक से बढ़कर कोई वजनदार नेकी नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो वजनदार, सबसे ज्यादा जो हैवी, जो भारी नेकी होगी, फरमाया वो हुस्न अखलाक होगा सबसे बढ़कर। और ये भी है फरमाया कि सबसे, रवायत का खुलासा, सबसे ज्यादा लोग कल बरोज़े क़यामत दाखिले जन्नत हुस्न अखलाक की वजह से होंगे। कि दुनिया में उनके अखलाक अच्छे थे, लोगों से उससे सलूक करते रहे, उनकी डीलें, उनका लेन देन, मामलात, बोलचाल, उठना बैठना, दूसरों से बर्ताव वो अच्छा था, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया सुन, तेरे वालिदैन के चले जाने के बाद भी तुझ पर हक है, यानी वालिदैन के औलाद पर हक है जब चले जाए। फरमाया सबसे पहला हक औलाद पर यह है कि जब वालिद या वालिदा फौत हूं तो औलाद उनके बेहतरीन नमाज जनाजा का इंतमाम करे। जब नमाज जनाजा पढ़ चुके, अब उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे, मग़फ़रत की दुआ करते रहे। और फरमाया उसके बाद अगर वो, तीसरा हक ये है कि अगर वो दुनिया में किसी से लेन देन, कोई वादा मुआहदा कर गए तो फिर औलाद उस वादे को पूरा करे, उस मुआहदा को पूरा करे। और इसके बाद फरमाया कि ये हक है। इस्लाम की तरबियत कितनी खूबसूरत है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए जो फरमाया कि एक हक ये है, इकराम सदीक हिमा। फरमाया कि जब किसी का वालिद दुनिया से चला जाए तो जो वालिद के दोस्त थे उनको अपने बाप की तरह समझे, अगर माँ दुनिया से चली गई तो जो माँ की सहेलियां थी उनको माँ का मर्तबा दे। ये फरमाया कि औलाद पर वालिदैन के हक हैं, तो वालिदैन के हकूक दुनिया में भी हैं और जब चले जाएं तो फिर भी उनके हकूक हैं। आखिरी हदीस जिक्र करके मैं फिनिश करता हूं कि किसी के वालिदैन उससे नाराज थे, दुनिया से चले गए, मना नहीं सका या उस वक्त अकल नहीं आई, जब चले गए बाद में सोचा कि वालिदैन नाराज चले गए, मेरा बाप मुझसे नाराज था, मेरी माँ मुझसे नाराज थी, दुनिया से चले गए, अब क्या करूं, क्योंकि ये गुनाह इतना बड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह की सजा में रब तखीर फरमा देता है, कब मरेगा तो इसको सजा देनी चाहिए, हर गुनाह में उसकी अजाब में तखीर हो सकती है, लेकिन फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी की सजा में तखीर नहीं है, रब उसे जलील करता है, दुनिया में इसको इसका अजाब देता है, आखिरत में भी देगा। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, अगर किसी से चूमिए किस्मत से, बदकिस्मती से वालिदैन को नाराज कर दिया, वो नाराजगी की आदत में चले गए दुनिया से, तो अब क्या करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर कैसे शफीक है, फरमाया कि अगर चले गए अब भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करता रहे, इसी की वजह से अल्लाह ताला इसके उस गुनाह को बख्श देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला को कितना पसंद है कि मेरे बंदे जो हैं ये अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, उनके हक में मग़फ़रत चाहें, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और दुआएं जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कबूल होती है, बंदे मोमिन की दुआ रद्द है ही, वो कबूल ही कबूल है, बंदे मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो उसकी कबूलियत के अंदाज मुख्तलिफ हैं, कभी भी रद्द नहीं है। तो दुआएं करते रहना चाहिए कि रब ताला को दुआ बहुत पसंद है, और फिर जब चले जाने वाले के लिए करेंगे, अगर उसके जिम्मा कोई गुनाह है उसकी मग़फ़रत हो जाएगी, और अगर वो बख्शा हुआ है तो रब उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी अल्लाह दिता नक्शबंदी ओ कईया दिला दे विच समाए होए ने अल्लाह अल्लाह।
اخلاق نالے چنگے مندے سنگ کر دے پلائی ہے سن بخار شریف دی نسبت پاک صدقے رکھ دے باطن دی خوب صفائی ہے سن اے درد مندہ دے درد ودار والے شہرت جگ وچ چنگی پائی ہے سن اور ان کے بیٹوں کی طرف سے جس میں عزیزم عامر جمیل اور نعیم صاحب شامل ہیں ان کی طرف سے یہ لکھا ہے اج عامر جمیل نعیم کہہ دے مار گئے او ہجر دے تیر ابو سب پہ خوشیاں ہاسڑے پل گئے اے دکھ درد ہو گئے دامن گیر ابو تساں باج نہ کدھرے سکون ملدا وہ لیندے اکھیوں وقت دے نیر ابو پر ہاں راضی رب دی وہ رضا اتے اے تالے کوئی نہ لکھی تقدیر ابو مرحوم مفور حاجی اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے انہوں نے اپنی دو بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں ان کی طرف سے یہ لکھا ہے کہ صدمہ لے کے بابل دا دل اندر صبح شام اے کر دیاں یاد تیاں سانو پلو پل کری یتیم گئو رو رو کرن بس اے ہو فریاد تیاں تے جد تک سرے تے باپ دا سایہ ہے سی جد تک سرے تے باپ دا سایہ رہندا دکھاں غماں تھی رہن آزاد تیاں اج باپ دے ہجر فراق والی کسنوں جا کے سنان روئے داد تیاں اور حاجی صاحب کی آلیہ کی طرف سے جو دکھڑا میں نے لکھا ہے اور اس کے بعد صرف ایک آدھ ربائی جو ہے ان کی دعا کے حوالے سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ درد دل دے پھول سی کون میرے محرم دل دے میرے سرتاج ٹر گئے او صدقے جنا دے برکتا رون قاسم سہنے دل تے کر دے راج ٹر گئے